हाई एनर्जी बैटरी सेल स्टॉक की मार्केट कैप है 500 करोड़ के आसपास और स्टॉक की प्राइस भी है 575 के आसपास। ये कंपनी काफी मुझे अच्छी लग रही है। उसका रीजन है कंपनी डिफेंस के लिए काम कर रही है, जैसे कि नाम है वैसे उसका काम है। ठीक है, यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा होगा कि कंपनी करती क्या है। हाई टेक बैटरी बनाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और लॉन्च व्हीकल्स के लिए। ठीक है, रेवेन्यू काफी अलग अलग जगह से आ रही है। सिल्वर जिंक बैटरी सेल जो बनाती है वहां से 97% उनकी रेवेन्यू है और निकल से 3% के आसपास। क्लाइंट बड़े बड़े हैं, नेवी और नेवल रिसर्च लैब, डीआरडीओ, डिफेंस और एरोस्पेस। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, कंपनी की वेबसाइट तो विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे भी काफी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी बात की वही चीज यहाँ पे भी आपको दिखे, और वेबसाइट पे आएंगे तो आपको काफी बेटर फील होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज है जो कहाँ कहाँ यूज होती है, ये देखिए। एरोस्पेस में जो कार के लिए भी है, ट्रक के लिए भी है, कंपनों की आरओसी और आरओई दोनों 20 के ऊपर है, 37 और 33 इसे बेस्ट माना जाएगा। रिजर्व फंड है 78 करोड़ के आसपास और डेट है 13 करोड़। इक्विटी सिर्फ है 2 करोड़ के आसपास। कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड डील भी आपको देती है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छे हैं, पर लास्ट जो क्वार्टर में रिजल्ट आया था प्रीवियस क्वार्टर से कम, इस कारण से चार्ट पैटर्न में आपको बताऊंगा क्यों गिरावट नजर आ रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी पहले 1 से 5 करोड़ के बीच में थी, इसमें से स्लोली स्लोली अपसाइड मूवमेंट नजर आ रही है। बैलेंस शीट की तो हमने ऑलरेडी बात कर दी। प्रमोटर होल्डिंग की डिटेल देख लेते हैं। प्रमोटर के पास है 41% के आसपास, डीआई के पास है 6% के आसपास, जो प्रीवियस क्वार्टर से 0.34 के आसपास स्टेक कम हुआ है। पब्लिक के पास है 53%, पर पब्लिक के अंदर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे 3 से 4 नाम बड़े बड़े हैं। इन लोग के पास होल्डिंग 5221, मतलब ऑलमोस्ट 12% के आसपास की होल्डिंग। अभी ये सारी हुई फंडामेंटल डिटेल्स, अभी थोड़ी टेक्निकली चार्ट पैटर्न पे हम लोग बात कर लेते हैं। हम आ गए हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 750 के आसपास बना हुआ है और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 575, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने काफी टाइम निकाला हुआ है 475 से लेके 500 के बीच। अगर ये इसके नीचे फिसलेगा तब जाके स्टॉक 300 के लेवल के आसपास आ सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बनी हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको बाय करते हैं, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है 550 से लेके 500 लेवल के आसपास, तो आप हर डीप में अगर चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि फ्यूचर मल्टीबैगर पार्ट 3 शेयर है, तो स्टॉक आने वाले समय में यहाँ से 3x टाइम बढ़ सकता है। फिलहाल प्राइस है 575 के आसपास, तो टारगेट हम सजेस्ट करेंगे अपसाइड के लिए 1500 लेवल और 2000 के लिए। वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।